कुछ और जरूरी खबरों की तरफ भी रुख करते हैं। मेरठ के एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अधिकारी ने कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने तक को कह डाला। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अब सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि वीडियो के पीछे की कहानी क्या कुछ थी और कैसे पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोगों ने हिंसा को भड़कने से यहाँ पर रोका था। सोशल मीडिया पर सीए और एनआरसी को लेकर लिखने और बातें कहने वाले कुछ लोगों ने मेरठ के इस पुलिस अधिकारी का वीडियो भी खूब शेयर किया। ऐसे पोस्ट में सवाल उठाए गए कि पुलिस अफसर ने लोगों को पाकिस्तान जाने को क्यों कहा, पुलिस अफसर ने बार बार गली पहचानने की बात क्यों कही, क्या पुलिस अफसर स्थानीय लोगों को धमका रहा था। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, क्या वाकई पुलिस अधिकारी ने कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा या फिर कहानी कुछ और है जिसे एक वीडियो के जरिए छिपा दिया गया। इन सवालों का जवाब जानने से पहले पहचानिए इस पुलिस अफसर और इस जगह को। इनका नाम है अखिलेश नारायण सिंह, मेरठ के एसपी सिटी है। जगह है भूमिया का पुल। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना वही है जिसकी एक पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ की ये वारदात सुर्खियों में रही थी। सीएए के खिलाफ जब देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, उसी दौरान एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह अपनी टीम के साथ लिसाड़ी गेट थाने के भूमिया पुल इलाके में पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहाँ भारत विरोधी और पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग पीएफआई और एसडीपीआई के पर्चे बांट रहे थे। इस सूचना पे एडीएम सिटी और एसपी सिटी मौके पे गए। वहाँ वीडियो से स्पष्ट है कि पूर्व में भी पथराव हो चुका था और इन्होंने जाके स्थिति संभाली और ये कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ उपद्रव न करें। यूपी पुलिस के दावे की माने तो एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह और उनकी टीम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने के बाद ही वो बातें कही जिन्हें पाकिस्तान जाने से जोड़ा गया। कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको जहाँ ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देख कर और जो माहौल चल रहा था उसमें ये उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ठीक है। हालांकि इस पूरी तनातनी के बीच कुछ स्थानीय लोग पुलिस टीम के साथ खड़े रहे। खुद एसपी सिटी इन लोगों को नसीहत देते रहे और तस्वीरें देखकर लगता है कि स्थानीय लोगों ने भी हालात शांत बनाए रखने पर हामी भरी थी। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच इस संवाद के चलते ही मौके पर हिंसा और हंगामा नहीं हुआ, वरना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पुलिस की प्रतिक्रिया हालात में गर्मी ला चुकी थी। कहाँ जाओगे, इस गली को मैं ठीक करूंगा, देश में रहने नहीं रहने का मन है, चले जाओगे, यहाँ जाओगे कहीं और का बताओ, मैंने फोटो ले लिया, बताऊंगा इनको, बता देना गली को मैं ठीक कर। चार थे फोटो हो गई, अभी पूरी बात देखते हैं, मुझे याद हो गई, याद रखना। ये तस्वीर खुद बयां करती है कि अगर तनातनी भरे हालात में शांत दिमाग और अमन का इरादा बरकरार रहे तो कोई अनहोनी नहीं हो सकती। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।